हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई गुरुकुल। दिस इज़ अनिल जांगिड और हमारा मैथ में टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का, जिसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमने थोड़ा बेसिक डिस्कस किया था। हमने सिंपल सा फॉर्मूला ये यूज़ किया था, डिस्टेंस डी फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, और इसी से हमने डिराइव किए थे दो और फॉर्मूला कि स्पीड अगर निकालना हो तो क्या होगा। स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना हो तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम जो आगे टाइप पढ़ रहे हैं उसमें मैं पहले बेसिक से थोड़ा जो मैंने ट्रिक बनाया है या जो मैंने पढ़ा है वो बताऊँगा। उसके अलावा एक फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला ना थोड़ा आपका टाइम बचा देगा, इसलिए मैं ये यूज़ करूँगा। और इसी फॉर्मूले के ऊपर हम चार पांच अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे कि सेम फॉर्मूला अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होगा। चलो आइए देखते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हम जो हम बेसिक अब तक जो हमने पहले पार्ट में किया था उसी से मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं मोस्टली जो मेरे ये वाले चैप्टर हैं जो अर्थमेटिक के मोस्टली जो चैप्टर हैं, मैं ज़्यादातर कोई फॉर्मूले यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने बेसिक से ही थोड़ा बहुत अपने लिए एडवांस सोच के, या हमें भाई पढ़ाया भी इसी तरीके से था कि हम बेसिक से ही अपने आप को इम्प्रूव करें। बाकी मैं आपको फॉर्मूलाज भी करवा दूंगा, जो लोग ट्रिक ज़्यादा ट्रिक के पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं ट्रिक बताइए, तो उनके लिए फॉर्मूला भी मैं लिखवा दूंगा, और वो फॉर्मूला यूज़ करके ही हम आगे तीन चार सवाल इसी पे करेंगे, क्योंकि वो पर्सनली वो फॉर्मूला मैंने भी बहुत यूज़ किया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वो बाकी बेसिक क्लियर भी होना चाहिए, तो पहले मैं सेम सवाल आपको बेसिक से करके दिखाऊंगा, फिर हम उस फॉर्मूले से दो तीन सवाल और भी करेंगे। चलो देखो क्या कह रहा है। राहुल अपनी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, जिससे होता क्या है भाई, जो उसको किसी सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम लग रहा था उससे वो एक घंटा कम टाइम ले रहा है उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, तो डिस्टेंस क्या है। तो बेसिक से मान लो भाई ये कोई सर्टेन डिस्टेंस थी, डिस्टेंस को हम डी ले लेते हैं, भाई ये कोई डिस्टेंस थी, पहले जो स्पीड थी उसकी क्या थी, 24 किलोमीटर पर आर, इससे जब वो ट्रैवल कर रहा था इस स्पीड से, इसको मैं S1 लिख दे रहा हूँ, जब वो S1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा था तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसको भाई टाइम लग रहा था टी टाइम, ठीक है, क्योंकि टाइम उसने दिया नहीं। फिर सेम ही डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है डी, और इस बार क्या कह रहा है, S2 लिख दे रहा हूँ मैं इसे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या टाइम लग रहा है भाई, एक घंटा कम, तो पहले टी लग रहा था तो अब क्या लग जाएगा, T-1, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, और देखो जो भी हम टाइम एंड वर्क में जितने भी सवाल कर रहे हैं ना, या जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसा कॉन्स्टेंट जरूर रहता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको भी अंदाजा हो जाएगा। जैसे देखो इस पर्टिकुलर इसी सवाल में अगर हम देखें तो इसमें हो क्या रहा है, कॉन्स्टेंट क्या है भाई, देखो डिस्टेंस वो उतनी ही ट्रेवल कर रहा है जितनी पहले केस में कर रहा था उतनी सेकेंड केस में, तो बस यही पहचानने की जरूरत है। आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो पहली इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, पहली इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मेरी स्पीड थी 24 इनटू टाइम, ये डिस्टेंस आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन से क्या कह रहा है भाई, ये मेरी स्पीड थी ये मेरा टाइम था, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 30 इंटू T-1, सिंपल भाई। दोनों से हमने क्या निकाली, डिस्टेंस ही, और डिस्टेंस वो क्या है भी सेम, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो हम दोनों के इनको इक्वल रख सकते हैं, तो यहाँ से 24T इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 T-1, ये आ गया हमारा, क्योंकि दोनों क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये इतना, डिस्टेंस इज इक्वल टू इतना, तो दोनों अगर डिस्टेंस सेम है तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, तो हम दोनों को बराबर रख दिया। अब खोल लो भाई इसको, 24T इज इक्वल टू 30T-30, ठीक है,
तो टी को एक तरफ ले जाओ, 30 को एक तरफ, तो 6t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। अब आपकी मर्जी, आप कोई सी भी इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो ज़्यादा आसान क्या है, ये वाला ही, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से मेरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 24 × 5, तो डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, 120 किलोमीटर। तो ये तो हमारा ट्रेडिशनली मेथड है। देखो मैंने इसमें कोई ट्रिक यूज़ नहीं की है, सिर्फ बेसिक आपका स्ट्रोंग होना चाहिए और सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पता हो जाना चाहिए कि इसमें कांस्टेंट क्या है। और आगे भी जो सवाल करेंगे उसमें भी मैं एक दो सवाल में बता दूंगा कि क्या कांस्टेंट है। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है थोड़ा, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत सारी टाइप्स हैं, वो सारी मेरे को करानी है। उसके अलावा फिर हम बोट एंड स्ट्रीम का भी करेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है, उसी में सेम चीज़ें यूज़ होंगी। तो एक काफ़ी लंबा टॉपिक चलेगा हमारे, हो सकता है 8-10 वीडियो बनानी पड़ जाए। कोई बात नहीं, हम रेगुलर इसमें रहेंगे। अब देखो, अब मैं इसी पे वो बताता हूँ फॉर्मूला, होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसमें देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हमने, सिर्फ डिस्टेंस हमने अपनी तरफ से मान लिया, डी डिस्टेंस था फर्स्ट। अगर वो S1, जो S1 स्पीड थी हमारी, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो हमें टाइम लग रहा था टी। सेकेंड केस में क्या था, अगर वो स्पीड अपनी बढ़ा देता है, 24 से कितनी कर देता है, 30, तो टाइम हमारा क्या हो जा रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। तो सेम क्या है, यहाँ से डिस्टेंस आ गई मेरी 24 t, यहाँ से आ गई 30 × t-1। हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि लास्ट में एक बार ही कर लेंगे। उसके बाद क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। उसके बाद क्या था भाई, डिस्टेंस थी दोनों ही, और डिस्टेंस क्या थी, बराबर सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो दोनों केस में। तो यहाँ से क्या किया हमने, डिस्टेंस को दोनों को बराबर रख दिया। 24 t इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 30 × t-1। तो यहाँ से हमने इक्वेशन को थोड़ा खोल लिया, 24 t इज इक्वल टू 30 t-30। यहाँ से जब ब्रैकेट आपने खोलोगे तो 30 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 60 इज इक्वल टू 30 t इज इक्वल टू 5। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, तो कोई सी भी एक स्पीड के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पुट किया 24 × 5 तो 120, यहाँ पुट करते तो 13 × 4, t-1 होता, 5 − 1 करोगे कितना आएगा, 4। तो यहाँ से भी क्या आ जाता, 30 × 4 = 120। तो सिर्फ समझने की बात है, आप क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ो, समझो, फिर करने की ट्राई करो। अब देखो इसी पे एक फॉर्मूला है भाई, वो भी अब डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं। देखो भाई फॉर्मूला, देखो कुछ नहीं है, जो हम अब तक लिख रहे हैं, स्पीड, स्पीड होता क्या है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही यूज करते हैं अब तक हम। तो उस केस में क्या है, जब फर्स्ट केस है हमारा, व्हेन टू स्पीड्स आर गिवन, मतलब जब हमें दो स्पीड दे रखी हो, तब ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। देखो S1 × S2, मतलब दो स्पीड दे रखी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है, डिस्टेंस लिखोगे और अपॉन टाइम भी करना है, लेकिन डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, S1 − S2, या इसको नेगेशन, नेगेशन का साइन लगा देते हैं। देखो नेगेशन का मतलब क्या है, मैं माइनस भी लिख सकता था, लेकिन माइनस आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। नेगेशन का मतलब यह है, दोनों में से जो बड़ा हो, S1 − S2 कर देना, इफ S1 > S2, और S2 − S1 कर देना इफ S2 > S1 हो। नेगेशन का मतलब यही है कि जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटाना है। S1 − S2 लिख दूंगा तो फिर आप माइनस में भी आंसर ला दोगे, तो वो नहीं करना है। सेम अपॉन में टाइम का डिफरेंस करना है, तो यहाँ भी t1 > t2। नेगेशन का मतलब समझ ही गए होंगे, बड़े में से छोटा घटाना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लानी है। ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला यहाँ से, सेम वही है। देखो स्पीड याद करने का भी कुछ नहीं है इसमें, जब हम सवाल करेंगे तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन फिर भी। तो यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सेम ही चीज़ है,
ठीक है, कुछ इसमें अलग से कुछ नहीं है। अब इसमें सवाल करते हैं, देखो इसमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है दोनों हमारी, तो पहली स्पीड क्या है 24, दूसरी स्पीड क्या है भाई 30, इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें निकालना है डी। इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई स्पीड का, एक 24 है एक 30 है, तो देखो इस केस में नेगेशन का सही यूज़ होगा ना, क्योंकि इसमें S1 तो हमारा छोटा है, S2 क्या है बड़ा है, अगर S1 - S2 कर देते तो -6 आ जाता, लेकिन करना क्या है जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा देना, तो 30 - 24 करो कितना आ जाएगा 6 अपॉन T1 - T2 या T1 नेगेशन T2, यानी जो टाइम का डिफरेंस दे रखा हो वो, या वो दे दे के पहली बार इतना समय लगता है दूसरी बार इतना समय, तो ज़्यादा में से कम घटा देना। यहाँ पे उसने सिंपल दे ही रखा है कि हमारा 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है दोनों को, जब भी वो स्पीड बढ़ा रहा है तो अपॉन 1, सिंपल कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से 6 से काट दो 30, डी क्या आ जाएगा हमारा भाई वही 24 × 120 किलोमीटर। तो होप सबको समझ में आया होगा। देखो इस फॉर्मूले को याद करने का सिंपल तरीका यहीं से है, स्पीड इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे जब भी दो आपको दे रखी हो, देखो फर्स्ट केस मैंने ली इसीलिए लिखा है व्हेन टू स्पीड्स आर गिवन, जब दो स्पीड वो आपको दे दे तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये उस फॉर्मूले से हो जाएगा। तो S1 × S2 यानी दोनों स्पीड का प्रोडक्ट कर देना, डिस्टेंस लिख देना, दोनों का स्पीड का डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना, अपॉन में दोनों टाइम के डिफरेंस से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड केस और डिस्कस करते हैं अभी। सेकंड केस क्या है भाई, सेकंड केस में कुछ नहीं है बट टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से तो ये फॉर्मूला याद रखना, सेकंड केस में हमारा उसमें क्या है व्हेन टू टाइम्स आर गिवन, मतलब जब दो समय आपको दे रखे हो तब ये वाला यूज करना। सिंपल उसी तरीके से T1 × T2 दोनों टाइम का प्रोडक्ट कर देना, डिस्टेंस यहां पे क्या किया था हमने स्पीड के केस में, यहां स्पीड लिखा था तो यहां टाइम के केस में टाइम लिखेंगे, T1 - T2 अपॉन स्पीड S1 - S2, सिंपल। अब इस पे जो सवाल आएगा वो करके देखेंगे, समझ में आया भाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वही T1 × T2 डिस्टेंस इंटू में जो दोनों का डिफरेंस हो टाइम का वो कर देना, और जो स्पीड का डिफरेंस हो उससे डिवाइड कर देना। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी है अपने घर से ऑफिस, ठीक है अपने घर से ऑफिस जाता है भाई, जब वो 20 की स्पीड से जाता है तो ऑफिस पहुंचने में 15 मिनट लेट हो जाता है, और जब वो 30 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, फाइंड डिस्टेंस। ये भाई पेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, सीधा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, और आता ही रहता है ये वाला ना, बहुत एग्जाम में मैंने खुद से देखा है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमने अभी पिछले सवाल में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो कैसे फिट करना है। सिंपल पहले बेसिक समझते हैं भाई हो क्या रहा है। ये कोई डिस्टेंस थी उसकी, उसके घर से उसके ऑफिस तक की कोई डिस्टेंस थी, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस वो दोनों बार ट्रेवल कर रहा है। पहले केस में क्या हुआ भाई, वही अगर S1 मान ले हम, तो 20 की स्पीड से गया वो, और क्या हुआ मान लो यहां तक उसको, ये यहां लिख दे, मान लो यहां तक उसको पहुंचना था, ये टी टाइम पे उसको पहुंचना चाहिए था, ठीक है घर से ऑफिस उसको टी टाइम लगता है, हमें नहीं पता भाई कितना टाइम लगता है, कोई डिस्टेंस है इस स्पीड से जाएगा तो कुछ भी टाइम लग रहा है, हमने मान लिया टी टाइम, तो 20 की स्पीड से जा रहा है तो उसको टी टाइम लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ से उसको 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं,
ठीक है, जब वो एस टू की स्पीड से जा रहा है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो जो ये टी टाइम लगना चाहिए था, इससे क्या हो रहा है भाई, 15 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। बिफोर लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो दोनों केस में हो क्या रहा है, पहले केस में अगर वो 20 की स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो जा रहा है, लेट बाई 15 मिनट, और 30 की स्पीड से जा रहा है तो अर्ली 15 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जब दो स्पीड दे रखी हो तो S1 × S2 करना है भाई, ठीक है। और यहाँ डिस्टेंस लिखना है, यहाँ पे S1 − S2 लिखना है, और यहाँ पे T1 − T2 लिखना है। इतना ही तो करना था, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस निकल जाएगी। बस इसमें समझने वाली एक बात है कि जो ये टाइम है ना, ये टाइम क्या लिखोगे आप, बस ध्यान रखना। तो जो ये टोटल टाइम रहेगा, देखो टाइम डिफरेंस क्या हो गया एक्चुअल में, अगर मैं मान लो कुछ भी लगा लो, यहाँ पे मान लो उसको 1 घंटा लग रहा था, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लग रहा हूँ कि ये जो टी था मेरा, ये 1 घंटा होना चाहिए था। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, वो 1 घंटे को मैं अगर 60 मिनट लिख लूँ, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, 15 मिनट बाद, यानी उसको 75 मिनट लग रहे हैं। फर्स्ट केस में यही हो रहा है कि उसको 15 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, पहुँचना चाहिए था वो 60। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं मान रहा हूँ, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए, 60 मिनट लगने चाहिए थे, 15 लगे तो एक्स्ट्रा लगे तो 75 लगे। सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में 45 ही लगे। तो जो एक्चुअल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 75 − 45, ये आएगा डिफरेंस। तो इसको यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखो इसमें कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, इसके सामने आप माइनस लिख लो कि 15 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो 15 मिनट मैंने पहले के लिए उसके सामने लिख दिया माइनस, सिंपल। तो यहाँ से अगर मैं 15 में से घटाऊंगा माइनस का 15, तो ये घटा घटा जमा हो जाएगा, 15 जमा 15, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 मिनट मेरा टाइम डिफरेंस आया, ठीक है। 30 मिनट के घंटे बना लेना, 30/60 करके कितना आ जाएगा, या 30/60 ही लिख लो, जीरो को यूज़ करेंगे हम लोग कैलकुलेशंस में, तो जीरो को अगर रखना भी चाहो तो रख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ यहीं सवाल पे, S1 × S2 आ गया, 20 × 30 इज इक्वल टू डी, हमें निकालना है दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 10 का स्पीड का और टाइम का डिफरेंस कितना है, 30/60, तो 60 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो भाई काट लो, ठीक है। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट लो, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 30 किलोमीटर, ठीक है। सिंपल है भाई, कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ आपको ये वाला टाइम ना कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये मैंने बता भी दिया। आप अर्ली वाले को ना हमेशा माइनस लिख लेना, और करना क्या हमने, ज़्यादा में से कम वाला घटाना है, तो 15 ये प्लस का था, ये माइनस का था, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 मिनट आ गए, उसके घंटे बना लेना, क्योंकि सवाल हमेशा एक ही फॉर्मेट में उसमें चलाना, हमने किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो किलोमीटर पर आवर में ही रखना है, मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो मीटर पर सेकंड में ही चेंज करके करना है। सिंपल है सवाल, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी इसी टाइप पे मैं ये आपका पक्का करने के लिए और एक दो सवाल, दो तीन सवाल करूँगा इसी पे, दो सवाल तो कम से कम करेंगे, कोशिश रहेगी एक टाइम वाला भी करें, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ओके तीसरा क्वेश्चन है, देखो सेम सही क्वेश्चन है, लेकिन ये SSC सीजल में आया हुआ है और मेरे सामने आ गया तो मेरे से रहा नहीं गया, ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाल दिया इसी वीडियो में। देखो इसमें थोड़ा सा ना वो ट्रिक ही यूज़ करा है, क्योंकि अब तक हम सिर्फ जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, अभी दो करे हैं सेम टाइप पे, तो उसमें हमने सिर्फ डिस्टेंस निकाला है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक और वो आपका दिमाग लगवाएगा, हो सकता है मेंस का क्वेश्चन हो। चलो कोई नहीं, कह रहा है एक आदमी एक स्पीड से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कोई सर्टेन प्लेस है, ऑफिस है, स्कूल है, कुछ भी है, वहाँ पहुँच रहा है। देखो सवाल में ये सिर्फ 1 PM दिया है, 13 बजे मैंने लिखा है, और क्यों लिखा है अभी बताऊँगा,
1 PM, ठीक है, 1 बजे पहुंच जा रहा है। अगर वो अपनी स्पीड 10 से क्या कर ले भाई, 15 किलोमीटर पर आर, तो वो सेम जगह पे पहुंचता है 11 बजे। इस बार ना वो घंटे उसने नहीं दिए, थोड़ा सा ट्रिकी आपको बस आपका यूज़ कराने की कोशिश है उसकी। उसके बाद क्या कह रहा है कि वट स्पीड मस्ट ही गोज टू गेट देयर एट नून, बाई नून का मतलब यानी वो एग्जैक्ट 12 बजे उसको पहुँचना, सॉरी 12 बजे वो किस स्पीड से पहुँचेगा। तो इस बार उसने हमसे डिस्टेंस नहीं पूछी, लेकिन हमें कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम ये एक तीसरी स्पीड निकालनी है, ये सवाल में दे रखा है। तो कुछ नहीं, जैसे अब तक हमने किया है भाई, ये कोई डिस्टेंस थी, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या, अगर S1 में लिखूं, अगर वो 10 की स्पीड से जा रहा था, 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो यहाँ पे ये सर्टेन डिस्टेंस थी, यहाँ पे कितने बजे पहुँच रहा है भाई, 13 बजे। ये 1 PM था, इसको मैं 24 आवर्स वाले उसमें क्यों लिख रहा हूँ, देखो अभी अभी डिस्कस करेंगे हम ये। S2, अगर वो 15 की स्पीड से जा रहा है तो कितने बजे पहुँच रहा है, 11 बजे। अब देखो यहाँ 1 PM इसलिए नहीं लिखा मैंने कि क्योंकि हमें जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसमें T1 नेगेशन T2 करते हैं, तो 11 में से एक घटा के कुछ लोग 10 लिख देते हैं उसे, भाई ये गलती नहीं करनी है। ये गलती एक और मेरे पास एक स्टूडेंट, पहले जब मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ा था तब पढ़ता था, उसने ऐसे किया था, इसलिए मैंने सवाल में पढ़ते पढ़ते इसको 13 बजे लिख दिया। तो आप लोग भी ध्यान रखना है, वो 1 बजे है, एक शाम के 1 बजे, यानी वो 13 बजे, 13 में से 11 या घड़ी के हिसाब से घटा लेना, नुमरिक के हिसाब से मत घटा देना कि 11 में से एक गया 10 घंटे, सवाल ही गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ तक ही हमने करना है तो हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी, फिर हम तीसरी स्पीड निकाल लेंगे हमारी। यहाँ तक पहुँचने में उसको 13 बजे पहुँच रहा था 10 की स्पीड से, 15 की स्पीड से 11 बजे पहुँच जा रहा है, तो यहाँ से जो हमारा T1 नेगेशन T2 हम करते हैं वो कितना आ जाएगा, 2 घंटे, 2 आवर्स। तो सवाल तो हमारा हो गया, S1 into S2 is equal to क्या होता है, डिस्टेंस, S1 नेगेशन S2, T1 नेगेशन T2। सिंपल, क्या हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 10 × 15 D × दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 स्पीड का, अपॉन T1 - T2, 2, तो 5 × 10, तो D हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 60, तो ये आ गई हमारी डिस्टेंस भाई। यहाँ तक सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछता हमसे, हमने 2 सवाल निकाले, हम निकाल देते, कोई समस्या नहीं है यहाँ। लेकिन यहाँ पे वो हमसे पूछ क्या रहा है कि बीच में यहाँ पे ये एक कंडीशन और घुसा दी उसने कि 12 बजे पहुँच जाना चाहिए भाई, ठीक है, तो किस स्पीड से जाएगा। अगर मैं इसको S3 लिखूं और इसको X km/h लिखूं, तो भाई ये स्पीड से कितने की स्पीड से 12 बजे पहुंच जाएगा, ये पूछ लिया उसने सिंपल। तो हमारे पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, लेकिन इनिशियल टाइम नहीं है हमारे पास। इनिशियल बोले तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ गई, कितने बजे पहुंचा वो आ गया, कितने की स्पीड है वो है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने घंटे लगे थे। तो पहले यहाँ से किसी भी एक कंडीशन से घंटे निकाल लो, फिर उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि अब उसको कितने घंटे में पहुँचना है। भाई 10 की स्पीड से, फर्स्ट कंडीशन में ही रख रहा हूँ मैं, 10 की स्पीड से डिस्टेंस क्या थी, 60, तो कितना उसको टाइम लग रहा था यहाँ इस केस में, 60 डिस्टेंस, स्पीड 10, तो यहाँ पे वो 6 घंटे में पहुँचा 13 बजे, 1 बजे 6 घंटे में पहुंचा, तो 12 बजे कितने घंटे में पहुंचेगा, 1 घंटा कम, यानी यहाँ पे वो उसको 5 घंटे लगने चाहिए।
तो मेरे पास अगर टाइम आ गया और मेरे पास डिस्टेंस है तो स्पीड आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो। तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, स्पीड दे रखी है 60, टाइम आ गया 5 घंटे, 5 कर दो ना जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 12 बजे पहुंच जाएगा। बस इतना ही इसमें सोचना था, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल नहीं पता था कि कितने बजे चला, या तो वो हो हमारे पास तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास दो चीज़ें आ गई, हमारे पास स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गया, टाइम अपने अपने आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन है नहीं, क्योंकि आप जब खुद से करोगे तो दो चार स्टेप बीच में मिस कर सकते हो, तो उस चीज़ों को आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हो। सिंपल सा है ये फॉर्मूला, मैं आपको इसलिए पकवा रहा हूँ, सॉरी दोबारा से करते हैं। देखो ये फॉर्मूला हम इसलिए याद कर रहे हैं या इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि थोड़ा आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचा देगा ये फॉर्मूला। बेसिक से करने जाओगे सारे सवाल में थोड़ा अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं ये फॉर्मूला क्यों पर्सनली मैंने कई बार यूज़ किया है, याद भी रहेगा, क्योंकि सेम वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम वाला जब आएगा सामने कोई सा क्वेश्चन तो वो भी कर लेंगे हम। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसमें चीज़ें अलग कर दी उसने, तो मैं नहीं चाह रहा कि इस फॉर्मूले पे आपके कोई भी एक भी क्वेश्चन छूट जाए, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश में हूँ। ऐसा मत सोचना कि एक ही टाइप आप कराए जा रहे हो पूरी वीडियो में। आप भी देखोगे क्वेश्चन को पढ़ के तो आपको भी थोड़ा लगेगा, नहीं कुछ तो इसमें डिफरेंस है, इस सवाल में पिछले सवाल से कुछ डिफरेंस है, इसीलिए मैंने ये सवाल लिखा है। इसको देखेंगे अभी, फिर आप समझ जाओगे कि मैंने क्यों कराया। देखो कह रहा है, इफ ए मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 15 किलोमीटर टू इट्स यूजुअल स्पीड। देखो कोई इसकी यूजुअल स्पीड थी भाई इसमें, इस बार ना वो दो स्पीड दे रहा है लेकिन यूजुअल स्पीड नहीं दे रहा है, ठीक है, यूजुअल स्पीड के ऊपर बता रहा है कि अगर वो 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड बढ़ा दे तो जो भी उसका यूजुअल टाइम था उससे 1 घंटे पहले पहुंच जा रहा है डेस्टिनेशन पे। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, अगर वो स्पीड 10 किलोमीटर घटा दे अपने यूजुअल से तो वो 1 घंटे लेट हो जा रहा है, डिस्टेंस क्या रहेगी। देखो मान लो ये कोई डिस्टेंस थी, सिंपल मैं कह रहा हूं कि वो अगर एस किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा था तो वो टी टाइम में यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, यूजुअल जो हम वो सवाल के हिसाब से कह रहे हैं कि मान लो उसकी यूजुअल स्पीड एस थी और उसका यूजुअल टाइम टी था तो वो इतने टाइम में पहुंच जाना चाहिए था। सेम कंडीशन में अगला क्या कह रहा है कि अगर वो 15 की स्पीड बढ़ा दे, अगर वो स्पीड कर दे S+15 तो उसका जो टाइम लगना चाहिए वो क्या लग रहा है भाई, T-1, ये कह रहा है। यहां से ये चीजें क्लियर हो गई हमारी। सेकंड केस क्या है भाई, देखो इसको मैं दो केसेस में इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि इसमें ना ये वाला टाइप हमने एक बार इक्वेशन बना के ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें आपस में मिक्सअप कर दी उसने और यूजुअल दिया नहीं, इसलिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करके ही ये क्वेश्चन का आंसर आया। सेम वही कि ये डिस्टेंस था हमारे पास, वही फर्स्ट केस के एस हमारी स्पीड थी और टी टाइम में वो पहुंच जाना चाहिए था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि वो फर्स्ट केस भी यूजुअल पे ले रहा है कि यूजुअल से 15 किलोमीटर अगर बढ़ा दूँ तो मैं बार बार दोनों बार यूजुअल मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा ढंग से समझ में आए। फिर क्या कह रहा है, अगर वो स्पीड 10 किलोमीटर घटा दे, ये कर दे तो टाइम क्या लगना चाहिए, T+1, 1 घंटा ज़्यादा लगना चाहिए। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो यहाँ से पहले यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे दोनों से, ये डिस्टेंस निकाले या फॉर्मूला लगा के देखते हैं एक बार।
हाँ लग जाएगा फॉर्मूला, जो हमने अब तक एस वन एस टू वाला पढ़ा है सेम फॉर्मूला लगाते हैं, एस इंटू एस प्लस 15 एस वन इंटू एस टू इज इक्वल टू डी डिस्टेंस, यहाँ से दोनों का डिफरेंस, इसमें से एस घटाओगे एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा 15 बचेगा, अपॉन इसमें से माइनस करोगे टी माइनस टी, ये भाई टी माइनस टी ये प्लस का वन हो जाएगा, टी से टी कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा वन, तो ये वन आ गया, यहाँ से स्पीड आ गई, क्योंकि डिस्टेंस ना लेके मैं स्पीड पे करना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन ना, यूजुअल स्पीड आ जाए हमारे पास फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला फिट कर दिया इसमें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला फिट करा सेम वहाँ पे करेंगे। इसको इक्वेशन वन लिख देते हैं, एस इंटू एस माइनस 10 बराबर डी इंटू, दोनों का डिफरेंस कितना 10, भाई ये तो घटा लोगे ना, ये मैंने घटा के नहीं लिखा सीधा 15 लिख दिया, ये तो लिख लोगे ना, यहाँ 15 कैसे आया, एस सॉरी एस प्लस 15 जो बड़ा है उसमें छोटा घटाना है, एस घटाओगे एस से एस कट जाएगा, ठीक है तो 15 बचेगा, इसलिए सीधा 15 लिख दिया मैंने, ऐसे ये 10 आ जाएगा, यहाँ ये छोटा है इसमें से एस में से ये छोटा वाला, क्योंकि स्पीड इस बार क्या हो रही कम, तो एस में से माइनस करोगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, अपॉन सेम वही ये टाइम इस बार ये वाला बड़ा है, इसमें टी घटा हुआ टी से टी कट जाएगा एक आ जाएगा, तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट आ गई यहाँ से इक्वेशन सेकंड आ गई, अब क्या कर सकते हैं, हाँ अब डिवाइड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, अगर डिवाइड करूं तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक वेरिएबल में चाह रहा हूं कि स्पीड बच जाए डिस्टेंस बच जाए, तो अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूं तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा एस आ जाएगा यानी यूजुअल स्पीड आ जाएगी मेरे पास, यूजुअल स्पीड आ गई तो डिस्टेंस भी निकाल देंगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे एस की वैल्यू, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है तो यहां से अगर स्पीड निकालनी है तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ये जो मैंने बनाई थी इसको दो से डिवाइड कर दिया, तो सीधा मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, यार आपके समझ में नहीं आएगा वरना, एस इंटू एस प्लस 15 इज इक्वल टू डी इंटू 15, वन में नहीं लिख रहा हूँ कोई लिखने का फ़ायदा नहीं है, एस इंटू एस माइनस 10 डी इंटू 10, तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, एस से मेरा एस कट गया, ठीक है यहाँ से 5 से काट लो, 5 थी 15, 5 दूनी 10, बस अब आर पार गुणा करके इसको निकालेंगे, दो का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2s+30 इज इक्वल टू 3s-30, तो एस को एक तरफ ले जाओ 30 को इधर ले आओ, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 3 में से 2s घटाओगे और 30 30 जमा हो जाएगा, ऐसा आ गया मेरा 60, यानी मेरे पास यूजुअल स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आर, ठीक है भाई, एस की वैल्यू 60 आ गई, जिस भी इक्वेशन पुट करना चाहो वहीं कर दो, ठीक है यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, जहाँ करना चाहो वहाँ कर दो, सवाल हो जाएगा, कहाँ करे पुट, दोनों में से किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते, यहाँ भी यहाँ भी, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी कर लो, यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 इंटू जमा 75 करोगे बराबर क्या आएगा, डी इंटू 15, 15 + 75 तो डी आ गया मेरा 60 × 5 यानी डिस्टेंस आ गई 300 किलोमीटर, डिस्टेंस ही उसने पूछी थी, थोड़ा आपको लेंथी लग रहा होगा लेकिन भाई ये सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, शायद मेंस के क्वेश्चन है तो थोड़े आपको लेंथी लगेंगे, लेकिन ये वाले टाइप भी मैं आपको क्यों कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके टाइम एंड वर्क टाइम डिस्टेंस
ये जो भी बेसिक चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक का, जो भी पोर्शन है मैथ और रीजनिंग में, मैं नहीं चाहता आपके किसी भी एग्ज़ाम में कोई नंबर कटे। हम कोशिश यही कर रहे हैं जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो मेरा मकसद यही है कि मैं हर एक टाइप उनको थोड़ी आसान भी कराऊं, थोड़ी मुश्किल भी कराऊं। टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने बहुत आसान वाले क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, लेकिन बाद में मैं सोच रहा था कि मैं करा ही दूं, तो एक वीडियो में बहुत आसान वाले क्वेश्चंस भी ले लूँगा, उसमें जो सिंपल सीधे से क्वेश्चन आते कि इतने, हाँ वो थोड़ा सा ट्रिकी कर देता है। मैंने दो चार क्वेश्चंस देखे, बहुत आसान क्वेश्चन मेरे पास नहीं थे, तो मैंने नेट पे सर्च करके देखा, तो कई बार आपको हाँ थोड़ा घुमाने के लिए देता है। वो वाली वीडियो भी मैं एक डाल दूंगा, इसमें हो सकता है लास्ट पार्ट में डाल दूँ। तब तक हम थोड़े से ढंग के क्वेश्चंस इसलिए कर रहा हूँ मैं कि सही सा जो एग्ज़ाम का लेवल रहता है उसमें ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस ना देके थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ वो करवाता है, उसी तरह के हम सवाल कर रहे हैं और उसी में कंटिन्यू रहेंगे। एक सवाल और आया भाई सामने, ये भी मज़ेदार सा सवाल है, आता रहता है कई, एक दो बार तो देखा है मैंने। इसमें क्या कह रहा है कि कोई बस है और उसके स्टॉपिज भी होते हैं बहुत सारे, देखे होंगे आपने कि पर्टिकुलर जैसे दिल्ली में तो DTC बस चलती है तो उसके फिक्स स्टॉपिज, तो उसी तरह का सवाल लगा लो कि अगर वो स्पीड पे को पे सॉरी स्टॉप पे ना रुके, मान लो कोई यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और ये उसके कोई स्टॉपिज है कोई भी, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 जितने भी हैं, मान लो ए से बी जाना है, तो एक बार तो बिना रुके जा रही है, तब उसकी स्पीड क्या आ रही है? 54 किलोमीटर पर आ। मान लो सब सारे स्किप स्किप मिल जा रहे हैं उसको सारे स्टॉपेज, और सीधी ए से जाके बी पे रुक गई तो स्पीड आ गई उसकी 54 किलोमीटर पर आ। सेकेंड केस में क्या कह रहा है? वो हर स्टॉपेज पे रुकती है, यहाँ भी रुकती है, यहाँ भी रुकती है, यहाँ भी रुकती है, यहाँ भी, और लास्ट में सारे स्टॉपेज पे रुकती हुई जाती है, तो यहाँ तो स्पीड कितनी है उसकी? 54 किलोमीटर पर आर। ठीक है, एक्सक्लूडिंग के केस में, और इंक्लूडिंग के केस में क्या है? 54 किलोमीटर पर आर, 45 सॉरी। यहाँ तो जब है जब वो रुकते हुए जा रही है इंक्लूडिंग के केस में, या एक्सक्लूडिंग के केस में जब वो बिना रुके स्किप मारती हुई जा रही है तब इतना, तो सिर्फ वो आपसे पूछेगा कि हाउ लॉन्ग डज द बस स्टॉप्स पर आर, कि वो 1 घंटे में कितनी देर रुकती है, पर आवर के हिसाब से कितनी देर रुकी, ये आपसे वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, और ऑप्शंस दे रखे होते हैं आपको मिनट में कि कितने मिनट रुकी, क्योंकि पर आवर पे कुछ ना कुछ मिनट में ही वो रुकी होगी, घंटे में तो वो घंटा खराब करेगी नहीं, ये सिंपल सा है। तो इस केस में देखो दो तरीके आपको सिखाऊंगा, पहला तरीका जो अब तक हम ट्रेडिशनल करते आ रहे हैं उसी तरीके से, जो भी आपको दो स्पीड दे रखी हो आप उनका ले लेना एलसीएम, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में किया था 54, ये एक्सक्लूडिंग वाली थी, 45 ये इंक्लूडिंग वाली, ये इंक्लूडिंग वाली स्पीड जब रुकते हुए चल रही है, ये जब बिना रुके चल, दोनों का एलसीएम ले हुए आ गई 270। ये मान लो हमारी डिस्टेंस, ठीक है, मान लो इतना किलोमीटर ये डिस्टेंस है, 270 किलोमीटर चलना है उसको, एक बार 54 की स्पीड से जाना है, एक बार 45 की स्पीड से, तो जब 54 की स्पीड से जा रहा है तो उसको कितने लग रहे हैं भाई? 5 घंटे, 200 डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया टाइम, सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे आ गया टाइम 6 घंटे, तो जब देखो बिना रुके जा रही है तो जब तो लग रहे हैं उसको 5 घंटे, और जब रुकते रुकते जा रही है तब 6 घंटे, तो 1 घंटा खराब कर रही है, ठीक है, 6 घंटे पे क्या हुआ है? 1 घंटा खराब, तो ये है लॉजिक हमारे पास कि जब 6 घंटे लगा रही है तो उसमें क्या है हमारा? 1 घंटा उसने रुकते रुकते खराब करा है, तो वो यही पूछ रहा है कि कितनी देर रुकी स्टॉप पर, 1 घंटे में कितनी देर रुकी, तो जब ऑप्शन में मिनट में दे रखा है तो भाई 60 सेकेंड, ये घंटे अपॉन 60 करोगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 10 मिनट। सिंपल, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम में जो आएगा वो हमारी डिस्टेंस आई, पहली स्पीड से इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग जो भी हो, पहले जो भी दे रखी हो वो लिख ली, दूसरी
इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग जो भी दे रखी है वो लिख ली। इस केस में क्या था, एक्सक्लूडिंग स्पीड थी 54, एलसीएम 270 डिस्टेंस अपॉन स्पीड करा, टाइम आ गया 5 घंटे। दूसरे केस में डिस्टेंस इतनी, स्पीड इतनी, टाइम आ गया 6 घंटे। तो दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो मतलब वो टाइम उसने ज़्यादा कंज्यूम करा रुकने में। तो कितना कंज्यूम करा भाई, 1 घंटा कंज्यूम करा एक्स्ट्रा। कितने घंटे पे, 6 घंटे में। भाई 6 घंटे वाले में ही तो 1 घंटा ख़राब करा, तो किस पे करा है, 6 घंटे पे, जब हम स्पीड लेके चल रहे इंक्लूडिंग वाली इंटू में, क्योंकि वो आपसे ऑप्शन देगा मिनट में, नहीं तो घंटे में दे तो 1/6 ही आंसर आ जाएगा, 1/6 आर। ठीक है, ये आ गया सिंपल। तो उसका मिनट बना लिया कि 1 घंटे पे वो 10 मिनट रुक रही है, तो वो हर स्टॉपेज पे 10 मिनट का समय लगा रही है। उसके बाद भाई दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख लेना गैप ऑफ स्पीड। अगर किसी को एलसीएम भी ना लेना हो तो यहाँ पे स्पीड लिख लेना, गैप ऑफ स्पीड कैलकुलेट करना पहले ही, 54 माइनस 45 जो भी है, यहाँ से गैप ऑफ स्पीड आ जाएगा आपका। टाइम निकालने का फॉर्मूला ये है भाई, सॉरी मैं पहले गैप ऑफ स्पीड लिख दिया। आप टाइम इज इक्वल टू क्या रहेगा, गैप ऑफ स्पीड अपॉन, इस केस में ध्यान रखना स्पीड वो लेनी है, दोनों में थोड़ा अंतर है। यहां हमने कौन सा लिया है, हमने वो टाइम लिया है जब उसने वो स्टॉप इंक्लूड करे हैं वो वाला, लेकिन जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें स्पीड लेनी है एक्सक्लूडिंग वाली स्पीड। और इनटू 60 कर देना, यहां से आपका टाइम सीधा मिनट में आ जाएगा। एक्सक्लूडिंग स्टॉप स्पीड, ठीक है, जब वो स्टॉप पे नहीं रुक रही थी वो वाली स्पीड लेना। तो यहां से करके देखो गैप क्या है स्पीड का, 9, एक्सक्लूडिंग कितनी 54, जब वो ने अर इंटू 60 वही आ गया 9 6 54, यहाँ से 10 मिनट। तो जो आपको दोनों में से अच्छा लगे वो कर लेना। ये हमने बेसिक से बनाया हुआ है, ये एक फॉर्मूला था वो मैंने आपको दिखा दिया, कि जब भी अगर आपको इस तरीके का सवाल दे रखा हो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग स्पीड वाला, तो सीधा ये यहाँ से भी कर सकते हो। और सिंपल ये तरीका तो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा भी था, तो मेरे हिसाब से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मुझसे सीख रहे हैं, वो इस पे चले जाना भाई, सिंपल है दोनों ही। ठीक है, तो ये वाली वीडियो का पार्ट आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे अभी कोई काम आ गया है, नहीं तो मैं थोड़ा और बढ़ाने की सोच रहा था। कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी कर देंगे। ओके, थैंक यू।